हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज आपको दिखाने हैं छत पे गार्डन कैसे कर सकते हो। तो ये नींबू का पौधा लगा रखा है मैंने छत पे। तो ये देख, तो ये गमला पहले देख लो आप, कितना बड़ा है, इतना बड़ा गमला है। इससे छोटे में गमले में हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा है। मैंने ये वो थे पानी की टंकी थी छोटी वाली जो होता है, इसको काट के इसमें लगा दिया था। तो लगभग ये मैंने लगाया था, ये घर पर नींबू आते हैं उसका ही बीज डाल लिया था। मैं मार्केट से लेकर नहीं आया था। अगर मार्केट से लेके आओगे आप तो तुरंत निकलने लगेगा इसमें फूल। इसके लिए अगर बीज लगाओगे तो 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि नींबू में 5 साल बाद ही आता है। और मार्केट से लेके आओगे तो आप छोटा पौधा लेकर आ जाओगे, एक दो टहनियाँ वाली, इसमें 3-4-5-6 नींबू ले लेंगे। तो देख सकते हो, पहले पौधा पूरा दिखा देता हूँ, फिर आपको नींबू दिखाऊँगा। काफ़ी बड़ा पौधा है ये देख सकते हो आप, ये कितना बड़ा पौधा है। तो ये देख सकते हो आप, आपको नींबू दिखाई दे रहा होगा। नीचे देखो, देखो नीचे देखो, चलो दिखाई देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो आप, जो मार्केट में नींबू मिलता है ना, उतने साइज का ये नींबू है। ये तो ग्रीन है, ये अभी और पक जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। और छोटे नींबू काफ़ी हैं और फूल भी लगे हुए हैं काफ़ी इसमें। तो दिखाता हूँ मैं आपको, फूल तो कम ही है, एक अभी देखना पड़ेगा कहाँ पे फूल है। दो चार फूल दिखाई देते हैं, मगर इस टाइम दिखाई नहीं दे रहे। चलो तो जैसे दिखाई देते हैं उसको दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नींबू और दिखाने की कोशिश करता हूँ। छोटे नींबू कहाँ गए, तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, यहाँ पे नींबू है, ये निकल ही रहा है। तो उस पर कुछ चढ़ते नहीं है। और नींबू यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो आप, दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे नींबू है। ज़्यादा नहीं है, मतलब 8-10 नींबू होंगे। और जो पक गए थे हमने तोड़ लिया उस टाइम। ये देख सकते हो आप, ये काफ़ी बड़ा है। तो मार्केट में मिलते हैं ना फुल साइज के नींबू, उतने बड़े हैं। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे 3-4 नींबू यहाँ पर लगे हुए हैं। और बाकी नींबू दिखा देता हूँ, इसके नीचे ज़्यादा लगे हैं, थोड़े के नीचे। यहाँ पे कहाँ दिखाई नहीं दे रहा, ये देख सकते हो आप, दिखाई दे रहा आपको, ये देख सकते हो यहाँ पे नींबू है। तो ऐसे नींबू लगे हुए हैं दोस्तों, ये भी काफ़ी, ये इससे बड़ा दिखाई दे रहा है। और ये देखो यहाँ पे नींबू, ये देखो दोस्तों, ये अब दिखाई दे रहा होगा आपको नींबू। यहाँ पे 3-4 नींबू लगे हुए हैं और ये काफ़ी ग्रीन बिल्कुल, अभी टाइम लगेगा इसको पकने में। तो और दिखा देता हूँ, ये पौधा देख सकते हो आप, ये मिट्टी देख लीजिए, इसमें खाद कितनी डाला हुआ है, मैंने भरपूर खाद डाला हुआ है जिससे सही से निकल रही नींबू इसमें, ये देख सकते हो आप। ये और दिखा देता हूँ मैं आपको, एक यहाँ पर नींबू था, ये आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा आपको, ये देखो दिखाई दे रहा ना आपको, ऐसे नींबू लगे हुए हैं। और काफ़ी नींबू उधर लगे हुए हैं, इधर की साइड को टंकी की तरफ छोटे छोटे नींबू इधर लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप। ये तो दोस्तों, आप ऐसे नींबू लगा सकते हो छत पे। और कोशिश करो कि मार्केट से लेके आ जाए कोई दुकान से, जो पौधा वौधा बेचते हैं उनसे पास ले लोगे, तुरंत लगाओगे 2-3 महीने में नींबू निकल ले लेंगे। अगर बीज घर पे बीज ला के लगाओगे तो 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि नींबू में फल 5 साल बाद ही आते हैं। और जो मार्केट से लेके आते हो वो भी वो काट के तना का वो तना काट के उसको लगा देते हैं और फिर उसमें नींबू आते रहते हैं। क्योंकि जो उसमें बड़े पेड़ होते हैं ना, जैसे हमारे बड़ा पेड़ है, तो उसको हम काट के ट्रांसपोर्ट कर देंगे, उसको मिट्टी ला के फिर कर देंगे, उसमें जड़ निकल लेंगे, तो उसमें नींबू ले लेंगे तुरंत, उसमें 5 साल इंतजार नहीं करना होता। तो यही आइडिया होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, आपको नींबू दिखा देता हूँ आपकी बार, ये देखते हो आप। तभी तो गर्मी में ज़्यादा नींबू आते हैं, अभी तो बरसात का मौसम है ना, इस टाइम नींबू थोड़ा कम आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।